हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब और आपका रूटीन कैसा चल रहा है, कमेंट कर जरूर बताना, क्योंकि मेरा रूटीन तो इतना ज्यादा बिजी हो गया है ना, मैं क्या ही बताऊं। और खासकर मुझे ऐसा लगता है, जब से बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया है तो शेड्यूल इतना बिजी हो गया है कि पूरा दिन बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। और स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं, जैसे कि मेरी बेटी छोटी है तो मुझे उसके पास बैठना पड़ता है, अदरवाइज़ वो क्लास प्रॉपर अटेंड नहीं करती है, तो उस वजह से और ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। अगर आपको भी अपने बच्चों के साथ बैठना पड़ता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो आप ज़रूर मुझसे रिलेट करोगे। तो इतना सारा काम के बीच में मैं तो वीडियो बनाना बिल्कुल भूल ही गई थी, तो इस वजह से मैं बहुत दिनों तक वीडियो ही नहीं डाल पाई। एक्चुअली इस चैनल को मैंने ओपन किया था समर वेकेशंस के, मेरी बेटी के समर वेकेशंस चल रहे थे, तो उसी चीज़ में मैं बहुत सारे वीडियोस ऐड करती जा रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी वीडियो शूट कर अपलोड कर, जबकि मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे। मैंने सिर्फ अपने फैमिली को बताया हुआ था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ, और वही लोग सिर्फ देखते थे, तो भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। लेकिन जब अब नए नए सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे सीरियसली इतनी ज़्यादा खुशी होती है कमेंट्स पढ़कर। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, जब भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ और सब्सक्राइबर्स देख रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं दिल से आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। वैसे तो आज के व्लॉग में शायद आपको कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा होगा, मैं सिर्फ अपनी दिल की बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी ये लहसुनी पालक की सब्ज़ी। तो मेरे पास पालक पड़ा था, तो मैं नई रेसिपी ट्राई कर रही थी लहसुनी पालक, ये दूसरी बार मैं एक्चुअली बना रही हूँ। तो पहली बार जब मैंने बनाया था तो इसमें मैंने बेसन ऐड नहीं किया था, तो इस बार मैं बना रही हूँ तो इसमें मैं थोड़ा सा बेसन भी ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने इस रेसिपी को देखा था उसमें बेसन भी ऐड किया था। तो इस बार मैं बेसन ऐड कर देखना चाहती हूँ कि इसके टेस्ट में कुछ डिफरेंस आता है या सेम ही लगता है। तो टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसमें बेसन ऐड कर देखा तो भी मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चला, जबकि पहले में मैंने बेसन ऐड नहीं किया था, दोनों ही थोड़े बहुत सेम ही लग रहे थे, कुछ टेस्ट में डिफरेंस नहीं आया था इतना ज़्यादा बेसन ऐड करने पर। लेकिन ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है, कुछ नया टेस्ट बन जाएगा। लेकिन ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, अगर आपने लहसुनी पालक नहीं बनाया है तो बनाकर ज़रूर ट्राई करना, टेस्टी बनती है अगर आप पालक में कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं। और रेसिपी तो आपको वीडियो देख कर पता चल ही रहा होगा कि मैंने क्या क्या ऐड किया है। अगर नहीं भी पता चल रहा है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है लहसुनी पालक के, आपको उसमें और ज़्यादा क्लियर से पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पर देखकर ही इसको ट्राई किया है। सो फ्रेंड्स, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अभी से पूरी कोशिश करूँगी वीडियोस अपलोड करने की, क्योंकि अब मेरा खुद का भी मैं अपना टाइम टेबल बनाने वाली हूँ, ताकि अच्छे से मेरा रूटीन हो, सारी चीज़ों पर मैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर। तो अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरे दो छोटे बच्चे हैं और मैंने कोई हाउस हेल्पर नहीं रखा है, सारा ही कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मैं अपना अच्छे से रूटीन बना रही हूँ, जिससे मैं सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। इवन साथ ही साथ अभी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, मैं अपना वेट लॉस करने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो अगर वेट लॉस हो जाता है तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया है वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि मेरा बेबी अभी 1 ईयर का हो गया है, तो मुझे लगता है अभी मुझे मेरा वेट कम कर लेना चाहिए। आज के व्लॉग में मैंने आप सभी के साथ बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारा चपड़ कर लिया, एंड साथ ही साथ यहाँ पे मेरी सब्जी भी हो गई थी। लास्ट में मैं ये तड़का लगा रही थी लहसुन का, लहसुन और जीरे का तड़का लगाना होता है, जिससे ये लहसुनी पालक में बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। तो बस ये तड़का लगा दूंगी एंड मेरी सब्जी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो
तो जैसे कि आप देख सकते हो सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो चलिए अभी आपको मैं घुमाने लेकर चलती हूँ। तो शाम के टाइम था तो हम लोग बाहर चले गए थे। घर के पास में ही एक छोटी सी इस तरह से नदी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगता है ऐसी जगह पर आकर बैठने में। एक्चुअली ये नदी बहुत ज़्यादा खाली थी, लेकिन क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश से इतनी ज़्यादा भर गई, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था यहाँ पे। तो बस थोड़ी देर बैठ कर रिलैक्स करेंगे और एंजॉय करेंगे इस व्यू को। सो गाइस, बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर लिया, तो चलिए अभी चलते हैं अपनी असली लाइफ में, जो कि है घर, बच्चे और काम। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया हो। अगर आप किसी बात पर रिलेट करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ मेरे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।